शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला किससे होगा? देखिए, मिजोरम राजनीति के अलावा राहुल गांधी का जाना वहां क्यों महत्वपूर्ण है कि उत्तर पूर्व के राज्य भौगोलिक रूप से थोड़ा कटे हुए हैं भारत बाकी भारत के हिस्से से, और वहां कोई जाता नहीं है। अभी आप देखिए कि मणिपुर में इतना कुछ हो गया और अभी भी लगातार हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से लोग नहीं गए, राहुल गांधी जरूर गए। तो मिजोरम में चुनाव प्रचार में जाना, सड़कों पे घूमना एक इस देश की एकता के लिए बहुत आवश्यक है कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो देश की एकता को भी मिलती है, और ये बाकी पार्टियों को भी वहाँ जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी वहाँ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद मणिपुर की वजह से कन्नी ना काटें और जाएं भी। दूसरा कि देखिए, मिजोरम में खास बात यह है कि जो मौजूदा MNF सरकार है उसके खिलाफ ज़बरदस्त वहाँ एंटी इनकमेंसी है, और दिक्कत वहाँ पे क्या है कि एक नया मोर्चा वहाँ पे आ गया है जो कि वहाँ की क्षेत्रीय दलों का गठबंधन है, ZPM। अब ये ZPM पिछली बार इलेक्शन में आया और उसको आठ सीटें उन्होंने जीत ली और पहली बार आए, और वो सीटें कांग्रेस के दम पर जीती, सारी सीटें ZPM ने कांग्रेस के वोट्स से लेकर जीती। और इस बार भी अगर MNF के खिलाफ, मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये तीसरा जो फैक्टर है वो एक काम कर रहा है वहाँ पे। राहुल गांधी की इस यात्रा से हो सकता है कि वो तीसरा फैक्टर न्यूट्रलाइज हो जाए। तो जो कांग्रेस के पक्ष में एक आंशिक बढ़त अभी दिख रही है, वो आंशिक बढ़त अब बड़ी बढ़त हो जाए और सरकार बनाने की स्थिति में मिजोरम में कांग्रेस आ जाए। मणिपुर का भी एक स्पिल ओवर मिजोरम में रहेगा, क्योंकि सीमा लगती है, लोग मिलते हैं, संस्कृति भी एक जैसी है लगभग, वो सेंटीमेंट मिजोरम में रहेगा। और अगर वो सेंटीमेंट रहता है और राहुल गांधी की आज की और दो दिन की यात्रा जो है, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सड़कों पे भीड़ है और राहुल गांधी को से मिलने के लिए लोग बेताब हैं, तो उससे लग रहा है कि मिजोरम, क्योंकि छोटा राज्य है और वहाँ खबरें सोशल मीडिया से पहुँच चुकी होंगी, इस तरीके के वीडियो बहुत आराम से, तो लगता है कि कांग्रेस इस बार जो है वो अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। और एक बात जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि BJP की एक रणनीति है, और BJP की रणनीति है कि पैराशूट से बड़े नेताओं को दिल्ली से उतारा जाए, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्रियों को। अब ये मंत्री हार जाते हैं या जीत जाते हैं, दोनों ही सूरत में इन मंत्रियों का या इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पॉलिटिकल करियर मुश्किल में या अधर में रहेगा। मान लीजिए कि जीत भी जाए, तो जीत भी जाएंगे तो केंद्रीय मंत्री बने रहेंगे या विधायक बनेंगे। तो इसलिए ये सारे मंत्रियों को किसी एक खास रणनीति के तहत दिल्ली से विदा किया जा रहा है। कोई एक BJP या नरेंद्र मोदी एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं पार्टी के अंदर, और ये अभी से नहीं कर रहे, लंबे समय से कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि मोदी साहब की कैबिनेट में नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के अलावा एक भी व्यक्ति नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय का हो। तो ये नया मंत्रिमंडल वो लगभग बना चुके हैं, और इन दो से भी वो पहली फुर्सत में निजात पा लेंगे। अब यही एक्सपेरिमेंट का एक्सटेंशन हुआ है कि जो भी थोड़े बहुत BJP के अंदर नेता हैं या शख्सियत हैं, उनको इस तरीके से भेजो, जितवाओ या हरवाओ, दोनों स्थिति में उनका राजनीतिक करियर को खत्म कर दो।
ये बीजेपी को सोच रहा है कि ये पार्टी के अंदर कुछ चल रहा है, और वो चल ये रहा है कि अगर मतलब एक पॉलिटिशियन है अली अनवर, उनका इंटरव्यू में कर रहा था और वो ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हारने के बाद बीजेपी में कंट्रोल रहे मोदी और अमित शाह का, उसके फंड्स में कंट्रोल रहे, इसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है कि पूरी बीजेपी को अपने लोगों से भर दो। और आप देखिए कि इन चुनावों में सुर्खियों में जेपी नड्डा भी कम दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोगों को तो बैठा ही दिया गया पवेलियन में, तो ये भी एक चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। राजीव जी बिल्कुल, बीजेपी के अंदर खाने क्या कुछ मिजाज है, और अगर जितना ज्यादा लोकतांत्रिक होंगे और जिस तरीके से वो जनता के बीच में है, या सिक्योरिटी का घेरा या बुलेट प्रूफ गाड़ी या हेलीकॉप्टर की जगह पैदल हैं, तो निश्चित तौर पे ही वो इंगेजमेंट कर रहे हैं। और वो केवल अभी मिजोरम में दिख रहे हैं, कभी वो कारपेंटर के साथ दिखते हैं, कभी कुलियों के साथ दिखते हैं, अलग अलग समाजों के साथ भी दिख रहे हैं। तो ये काम मोदी साहब नहीं कर सकते, और केवल मोदी साहब की बात नहीं है, ये काम करता हुआ बीजेपी का कोई भी नेता आपको नहीं दिखाई देगा। तो इस इंगेजमेंट का जाहिर सी बात है कि इसके दो बहुत फायदे होंगे, एक तो कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा ही होगा, दूसरा फायदा हमारी लोकतांत्रिक परिपाटी को मजबूत करने का होगा जो जनता से अलग हो गई है। यानी जो मन की बात है, वन वे ट्रैफिक है कि जनता तक अपनी बात तो पहुंचा दे रहे हैं, जनता क्या कहना चाहती है उसका आपके पास कोई वो जरिया नहीं है। राहुल गांधी इस लॉक जैम को, इस परिपाटी को तोड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। दूसरा, अभी शकील साहब चर्चा कर रहे थे कि मौसम बदल रहा है, और दिल्ली का मौसम तो वाकई बदल गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, और भोपाल में FIR हो गई बीजेपी के प्रवक्ता के खिलाफ, उनका नाम है हितेश वाजपेयी। देखिए, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक फेक पत्र जारी कर दिया जो कल आपने दिखाया भी, और कल ही DGP को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। मौसम के बदलने के एक और सबूत मिल रहे हैं संकेत, वो ये कि व्हाट्सएप को, यानी मेटा जो फेसबुक और व्हाट्सएप की कंपनी है इंस्टाग्राम की, उसको सरकार की तरफ से चिट्ठी गई है। जाहिर सी बात है, एक चिट्ठी ब्यूरोक्रेट से बनाई है, और चिट्ठी गई है कि वो जो हेट स्पीच है या फेक न्यूज़ है, उसका पहला उसने किसने डाला, सबसे शुरुआत किसने की, उसका आप नाम बताएं, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल दें, उसकी जानकारी दें। और अब आप ये देखिए कि अगर ये मेटा दबाव में आके जानकारी देने लगे तो किसका नुकसान होने जा रहा है। फेक न्यूज़ और हेट स्पीच से और व्हाट्सएप, जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जा रहा है, वो किसका काम कर रहा है। तो अभी इंडिया गठबंधन के लोगों ने चिट्ठी लिखी गूगल को और फेसबुक को और व्हाट्सएप को, अब सरकार की तरफ से अगर ये गया है, ये भी आप ये मानिए कि एक संकेत है मौसम के बदलने का। और एक आखिरी बात की, जो मोदी साहब ने इसराइल के बारे में जिसकी चर्चा आपने शुरू में की, और अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी बंदरगाह की बात कर रहे थे, अडानी साहब का एक और चालू हो गया, लेकिन एक बंदरगाह जो हाइफा पोर्ट है उसका काम रुका हुआ है, वहाँ जहाज पहुँच नहीं पा रहे हैं। वो कारण था अचानक से प्रधानमंत्री जी का इसराइल के प्रति जो मोहब्बत है, जो एक तरफा रुझान है, तो अपनी विदेश नीति से अलग जाकर उन्होंने इसराइल का साथ दिया या समर्थन किया, उसका एक कारण अडानी जी भी है। और अडानी जी के आज सारे शेयर्स जो है वो नीचे गए हैं फाइनेंशियल टाइम्स के नए खुलासे के बाद।
और हाइफा पोर्ट पे जो रुकावटें हैं उसके खिलाफ, और तीसरा निशाना यानी अडानी पर हमला करने वालों को सरकार निशाना बनाती है या बीजेपी निशाना बनाती है। पहले राहुल गांधी की सदस्यता ली और संजय सिंह जेल में है, और अब तीसरा जो नंबर है वो महुआ मोइत्रा का है, उनके खिलाफ अभियान चालू हो गया है। निशिकांत दुबे ने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखने के अलावा जो गंदा काम हुआ है, जो खराब काम हुआ है, नैतिक काम हुआ है कि महुआ मोइत्रा के प्राइवेट फोटोज को उसी वक्त वायरल किया गया सोशल मीडिया पे। तो ये सब चीज़ें दिखा रही हैं कि मौसम जो है वो कैसे बदल रहा है और कितना ये विषम होगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना नफरत भरा होगा आगे का समय।